श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 36वीं अध्याय चतुर्थ। भगवान गुरु जिज्ञासु अर्जुन के सामने एक गंभीर रहस्य की बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये योग जिसका प्रवचन आपके सामने कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, अर्जुन के समक्ष जिस योग की व्याख्या हो रही है, ये योग राज ऋषियों में भी चलता चला आ रहा था, बीच में नष्ट हो गया, उसको फिर तुम्हारे सामने आज ये रख रहा हूँ, ऐसा कहा। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ये योग प्राप्त था और ये राज ऋषि जो हैं इसको जानते चले आ रहे थे। बड़े काल के व्यवधान में नष्ट हो गया था, उसको फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। गुरु जी, हाँ जी, ये ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में कह रहे हैं जी। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, कर्म योग, ये जो योग है, माने उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, मुख्य रूप से भक्ति योग, तीन योग होते हैं ना, तो उसको सामूहिक रूप से बोल रहे हैं। ज्ञान कर्म संन्यास की बात नहीं, सामूहिक रूप से एक शब्द बोल रहे हैं कि ये योग, योग एक सामान्य शब्द, विशेषण डालेंगे तो विशेष अर्थ जाएगा, पूरे गीता का जो विषय है उसको योग शब्द से कह रहे हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसमें विशेष करके कहेंगे तो अलग से ये बोलना पड़ेगा, योग शब्द में तीनों आ जाएंगे। इसका मतलब वैवस्वत या मनु, इनको पूरी गीता का उपदेश दिया गया था, जैसे बता रहे हैं कि पहले हमने वैवस्वत को दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया। ज्ञान योग, हाँ, कर्म योग जी, भक्ति योग, संपूर्ण जो योग है जी, ये पूर्व काल में विवस्वान को दिया गया, विवस्वान ने उसको मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे योग की परंपरा चल रही थी, ऐसे बताया। ये जो योग, गीता का जो योग है, इस योग को परंपरा से जोड़ रहे हैं, ये तो अभी नया नहीं दे रहा हूँ, ये पहले भी था, आज बीच में नष्ट हो गया था, आज फिर तुम्हें उसको, उसका रहस्य उद्घाटित कर रहा हूँ। सैव अयम, वही योग जो परंपरा से चला आ रहा था, सैव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त सनातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही तदुत्तमम। वही योग जो पुरातन काल से चला आ रहा था, मया अद्य ते प्रोक्त, तुम्हारे लिए उसका मैंने प्रवचन किया है। भक्तोसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, रहस्यम ही तदुत्तमम। ये जो योग है ये किन को दिया जाता है? भक्तों को दिया जाता है, अपने सखा को दिया जाता है, ये उत्तम रहस्य है। रहस्यम ये तदुत्तम, ये उत्तम रहस्य है, गुप्त ज्ञान है, और ये अपने निकटतम को दिया जाता है। इसमें भगवान और जीव के जो संबंध होते हैं उसको भी एक प्रकार से बताया कि भगवान जो है वो सदा हमारे मित्र के रूप में हमारे साथ हैं, अंग संग हैं, और वे हमारे सखा भी हैं और हम उसके भक्त हैं। भक्तोसि मे सखा चेति, हम उसके अंग संग रहते हैं और हम उसके प्रति बड़ी निष्ठा और श्रद्धा और प्रेम रखते हैं, इसलिए उसके भक्त हैं। तो जो भक्त होता है, जो किसी का सखा होता है, उसको ही ऐसी गुप्त बात बताई जाती है कि जो उसको बिखेरे ना, उसको इधर उधर, उस ज्ञान को जो सुरक्षित रखे, संभाल के रखे। प्रियतम को जब हम कोई चीज देते हैं तो वो बड़ा उसको सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा करता है, और सामान्य रूप से जो उसका मूल्य नहीं समझ रहा है, उसको कोई कितनी भी कीमती चीज भी दे दी जाती है, वो उसको संभाल कर नहीं रखता और उसका कोई उपयोग नहीं ग्रहण करता।
तो भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम, ये उत्तम रहस्य है। तो मैं तुम दोनों बात है, मैं और तुम सखा के रूप में, तुम मेरे सखा हो और मेरे भक्त भी हो। भक्त माने मुझसे तुम प्रेम करते हो। भक्त का अर्थ होता है भज सेवायाम, कि तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरी सेवा करते हो। सेवा का मतलब होता है सेवन करना। सेवन करने का मतलब होता है जैसे हम कोई औषध सेवन करते हैं, हम कोई दुग्ध सेवन करते हैं, ऐसे आपके आपका सेवन करने का तात्पर्य होता है आपके पास जो है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, उसको आत्मसात कर रहा हूँ। भगवान के पास जो है भक्त, उसको भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, इसका अर्थ ये होगा कि भगवान के ज्ञान को पी रहा है, भगवान के ज्ञान को आत्मसात कर रहा है। भक्त भक्ति भाग सेवा भजन सब समान अर्थक हैं। आप भजन कीजिए, भक्ति कहिए और सेवा सेवन, कहीं पर भक्ति रखने से अच्छा समझ में आता है, कहीं भजन शब्द रखने से अच्छा समझ में आता है, कहीं पर हमें भजन भक्ति भाग शब्द भी इसी अर्थ में आता है। भाग शब्द का भी यही अर्थ होता है, जिसका सेवन किया जाता है, जो हमारा हिस्सा बन जाता है उसको भाग कहते हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, सम्यक ज्ञान वाले, समान ज्ञान वाले जो पूर्वकालिक देव थे, भागम संजानाना, भाग को जानते हुए और परस्पर वो जो थे एक दूसरे का वो करते थे, सहयोग करते थे। संगठन सूक्त के मंत्र में भागम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सैव अयम योगः मया ते प्रोक्तः, पुरातन योग है, प्राचीन काल से चला हरा योग मैंने तुम्हारे सामने रखा है। भक्तोसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। जीव और परमेश्वर को वेद में भी सखा के रूप में वर्णित किया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक वृक्ष है उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, सयुज हैं और सखा हैं वे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, उनका परस्पर संबंध है, घनिष्ठ संबंध है और सखा हैं वे दोनों। समान ख्यान जिनका होता है, समान रूप से जो चिन्मय हैं, उनको सखा कहते हैं। ख्या का अर्थ ज्ञान होता है। तो समान रूप से जो चिन्मय हैं, तो जीव और ईश्वर को सखा कहा, अर्थात इनका जो ज्ञान है, इनके जो चिन्मयता है, वो बराबर समान रूप से है। मोटे रूप में सखा का अर्थ लेते हैं कि मित्र हैं। हम लोक में भाष्यकार ने सखा का अर्थ किया है समान ख्यान, समानम ख्यानम सखा। सखा माने ख्यान, ख्यान माने ज्ञान, जिनका समान ज्ञान है उनको सखा कहते हैं। तो यहां पर ख्यान का अर्थ है चिन्मय जो स्वरूप है दोनों का, एक जैसा ही है बिल्कुल, इसलिए इनको सखा कहा है। अर्जुन को आपत्ति हुई इस स्टेटमेंट पर, इस कथन पर। अर्जुन ने प्रश्न उठा दिया कि आप कहते हो कि मैंने ये योग पहले विवस्वान को कहा, फिर विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, ये सारी जो परंपरा आपने बताई। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, आपका तो ये जन्म है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। कथम ए तद विजानी याम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, इस बात को मैं कैसे जानूं कि तुमने आदि में प्रारंभ में इस योग का प्रवचन किया है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, विवस्वत शब्द का षष्ठी में विवस्वत है। कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदो प्रोक्तवान, तुमने ही आदि में इस योग का प्रवचन किया, ये कैसे जानूं। श्री भगवान गुरु उत्तर देते हैं अर्जुन की जिज्ञासा को, खुलासा करके रखते हैं
बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप, हे शत्रु तापक, शत्रुओं को तपाने वाले हे अर्जुन, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अर्थात सिद्ध पुरुषों ने भी बहुत सारे जन्म लिए हैं और साधकों ने भी बहुत सारे जन्म लिए हैं। इस धरती पर ये परंपरा चली आ रही है, सिद्धों के भी बहुत जन्म हुए हैं और साधकों के भी। भगवान गुरु सिद्ध का प्रतीक है, सिद्ध एक पूर्ण मानव का लक्षक होता है और जो साधक होता है वो जिज्ञासु होता है। अपनी जन्म श्रृंखला में उन्नति करते करते जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, फिर उनको ऐसी सामर्थ्य आ गई है कि अब वो अपनी इच्छा अनुसार जन्म ले सकते हैं, या कोई अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हम एक स्थिति के बाद अपनी इच्छा से भी अपनी प्रकृति को अपने वश में करके, अधीन करके हम इस धरती पर आ सकते हैं। ये एक यहाँ पर शब्द प्रमाण की बात है, कुछ लोग इस पर विश्वास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर जिनको इस सत्य के ऊपर विश्वास है उनके सामने ये बात कही जा रही है। क्योंकि कोई भी बात कही जाए और वो किन के लिए कही जा रही है ये तो देखना ही होता है। तो विश्वासियों के लिए ये बात है, जो इस पर विश्वास नहीं करते, जैसे वेद ईश्वर की वाणी है, पर वो जो वेद को उस ज्ञान के रूप में नहीं देखते, उनके लिए वेद का कोई अर्थ नहीं है कि वेद ईश्वरीय वाणी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, उन लोगों के लिए जो इस वाणी पर विश्वास कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है, बहुनी में व्यतीतानी, बहुत सारे जन्म मेरे बीत गए, तुम्हारे भी बीत गए, मानी भगवान जो एक पूर्ण पूर्णता के प्रतीक है, जब जब प्रकृति में कुछ ऐसी अव्यवस्था होती है और प्रकृति में ऐसी शक्ति की, विशेष शक्ति की जरूरत होती है, तो वो शक्ति अवतरित हो जाती है। इस अस्तित्व का ऐसा नियम है, यूं कहा जा सकता है, नियम ही है कुछ ऐसा। तो भगवान गुरु कहते हैं कि मैं तो जानता हूं उनको, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं इसलिए मैंने बता दिया है, तुम नहीं जानते इसलिए तुम्हें शंका हो रही है। और वो कहते हैं कि कैसे मैं आया, तो कहते हैं देखो अजोपि सन्नव्य आत्मा, मैं तो अज हूं, अविनाशी हूं, जन्म नहीं लेता हूं, मेरा कोई जन्म नहीं, और अव्यय स्वरूप हूं। व्यय होता है परिवर्तन, क्षीण होना, परिवर्तन होना, उसको व्यय कहते हैं। अव्यय आत्मा, आत्मा का स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है जिसका, मैं अज हूं, अविनाशी हूं, अव्यय स्वरूप हूं, परिवर्तन रहित हूं, विकार रहित हूं, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, और मैं भूतों का, सारे भूत मेरे नियंत्रण में हैं। मैंने कहा कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें, योग दर्शन में भी एक सूत्र में कहा है कि सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व, सब पदार्थों के ऊपर अधिष्ठातृत्व आ जाता है योगी को, उसकी चित्त की शक्ति इतनी विकसित हो जाती है, विभूतिपाद की एक सिद्धि है, सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व की बात कही गई है। अब ये तो परंपरा में है ही ये बात, तो कि इतनी शक्ति विकसित हो जाती है कि हम भूतों के ऊपर भी अपना आधिपत्य कर सकें। अब इसमें इतना अनंत विस्तार है इस अस्तित्व का, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें माननी होती हैं, हम बुद्धि से उनको समझ नहीं सकते हैं, इतनी विविधता है इस अस्तित्व में, तो ये कह रहे हैं उसको मानना ही होता है। किसी को भरोसा होता है इस वाणी पर, किसी को नहीं होता है, तो मैं बार बार कह चुका हूँ, ये तो कोई शास्त्र हम पढ़ेंगे तो उन्हीं के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। जी, भूतों पर अधिकार हो जाता है, इसका क्या है जी? भूत सर्वभावाधिष्ठातृत्वम च, इसका मतलब
भूतों पर, तो यही है ना, भूतानाम ईश्वरोपि सन, तो सर्व भावाधिष्ठातृत्वम, हमारे जो ये जितने भी पंचभूत होते हैं उनके ऊपर हमारा आधिपत्य हो जाता है, और सर्व ज्ञातृत्वम, हमारा ज्ञान जो है ठीक ठीक उसको देख रहा होता है, नियंत्रण सारे हमारा जो ये अस्तित्व है इसके ऊपर मन बुद्धि इंद्रियां 24 जो तत्व हैं उन सब के ऊपर अधिष्ठातृत्व हो जाता है, सर्व भावाधिष्ठातृत्व। 25 तत्व हैं, एक निर्विकार शुद्ध चेतन तत्व है, दूसरी तरफ अव्यक्त प्रकृति है, और उस अव्यक्त प्रकृति के 23 विकार कहे जाते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार 13 करण के रूप में हैं, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, सर्व भावाधिष्ठातृत्व का अर्थ है 33 तत्वों के ऊपर पूरा अधिकार, 23 तत्वों के ऊपर, 23 तत्वों के ऊपर पूर्ण अधिकार, ये सर्व भावाधिष्ठातृत्व हो जाएगा, और उनका संपूर्ण ज्ञान। भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाए, मैं अपनी जो प्रकृति है उसको अपने वश में करके, अधिष्ठाए का अर्थ है वश में करके, संभवामी आत्ममाया, अपनी माया से, अपनी ज्ञानमयी चिन्मय शक्ति के द्वारा, माया शब्द ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अपनी माया से अपनी ज्ञानमय शक्ति के द्वारा संभवामी, अहम जन्म गृह्णामी, मैं जन्म ले लेता हूँ, संभवामी, संभव शब्द जो होता है जन्म के अर्थ में आता है, तो अपनी प्रकृति का वशित्व करके, अधिष्ठाय शब्द जो है उसके लिए आ रहा है, प्रकृति को वश में करके, वशीकृत्य, यहाँ पर जब हमारे अंदर चिति शक्ति इतनी जागृत हो जाती है, उसमें सत्व का इतना उद्रेक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति हमारे अंदर विकसित हो जाती है, ये सामर्थ्य की बात है, कितना सामर्थ्य, जैसे कि एक व्यक्ति श्लोक रचना आराम से सहज रूप से उसके मुख से श्लोक निकलते चले जाते हैं, दूसरे को तो असंभव जैसा लगता है, एक व्यक्ति ऐसे बैठे बैठे किसी व्यक्ति के चित्र को देख करके ना उसके साकार चित्र को वैसा ही बना देता है। मैंने एक कलाकार को देखा ऐसे तूली का लेकर के, और ऐसे देखा और ऐसे ऐसे कर दिया, 5 मिनट में उसने बिल्कुल ऐसा हूबहू ऐसा ही चित्र बना दिया, सामर्थ्य की बात है ये, ऐसे अनंत दिशाओं में हम सामर्थ्य को विभिन्न रूप में देख सकते हैं। ये तो मैं समझने वाली जो चीजें हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, कुछ ऐसे ऐसे सामर्थ्य, जैसे आज कोई सुना रहे थे, वो भारद्वाज जी बता रहे थे कि किसी ने 1 घंटा पानी के अंदर श्वास रोका, ये सामर्थ्य की बात है, पानी के अंदर श्वास रोकना ज्यादा महत्व रखता है, जैसे कोई बाहर रोक रहा है 1 घंटा और कोई पानी के अंदर 1 घंटा रोक रहा है, ये बहुत बहुत ही मुश्किल बात होती है। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया मेरे को, 10 मिनट में श्वास रोकता था, बाहर तो आराम से रुक जाता था, पानी में थोड़ा प्रयास करना पड़ता था, पानी में 10 मिनट में रोकता था, इतना मेरा अभ्यास हो गया था, लेकिन पानी में रोकने के लिए ज्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता होती थी। तो ये सामर्थ्य जो है अलग अलग सामर्थ्य होता है, अभी हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि 1 घंटा भी कोई पानी में रह सकता है बिना, वो कोई कहे कि कोई वो साथ में ले जाता होगा, वो पानी में जाने वाले ऐसे थोड़ी देखने वाले परीक्षण करने वाले, ऐसा थोड़ी होता है। कई बार ये उदाहरण भी दिए गए हैं, एक माता 43 साल तक बिल्कुल निराहार पानी के बिना और ऐसे जीवित रही, 43 वर्ष तक, मानी 40 साल तक तो वो खाती रही, 43 अपने अंतिम जीवन के 43 वर्ष तक वो राजस्थान में हुई, सती माता बोलते थे उनको, वो तो अभी हुई है कुछ समय पहले ही, और सब जानते थे, प्रसिद्ध थी इस बारे में,
43 वर्ष तक उन्होंने कुछ जल पानी अन्न ग्रहण नहीं किया। अभी भी कोई बता रहे थे गुजरात में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जो भोजन आहार आदि नहीं लेते हैं। तो इस अस्तित्व में कितने अजूबे हैं उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये भी एक अजूबा है कि व्यक्ति अपने सब अपने अस्तित्व को अपने वश में करके और वो इस तरह से वो जन्म ग्रहण करते हैं और अपने पिछले जन्मों की गाथा को ठीक ठीक जानते हैं। इसमें आया है व्यास भाष्य में कि जैगेशव्य ऋषि और आवट्यायन इन दोनों का संवाद हुआ। तो आवट्यायन ने पूछा कि आपने इस अनंत जन्म श्रृंखला में कहीं सुख भी पाया? उन्होंने कहा 10 महासर्गों में मैंने पीछे जा करके देखा, मैं कहां कहां जन्म लिया और कहां कहां मैं रहा। 10 महासर्ग कितने होते हैं देखिए, एक सर्ग का मतलब होता है लगभग 4 अरब वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ऐसी उम्र देते हैं इसकी सृष्टि की, सूर्य की। 4 अरब वर्ष को एक महासर्ग कहते हैं। और इस तरह के 10 महासर्गों में 40 अरब वर्ष तक जितने जन्म मैंने लिए उन सब को मैंने जाकर के देखा और मैंने पाया सब दुख ही है। जहां भी मैं गया दुख ही पाया केवल। माने दुख नाम इसलिए देते हैं, सुख भी लेते हैं हम, पर जैसे किसी खीर में विष मिल जाता है, अच्छे पकवान में बहुत सुंदर पकवान और उसमें थोड़ा सा विष मिल जाए तो उसकी पकवान संज्ञा खीर संज्ञा नहीं होती, उसकी विष संज्ञा हो जाती है। कोई आदमी उस भोजन को ग्रहण करे तो वो ये कहा जाता है, अरे भाई क्या खा रहे हो तुम, ये तो विष है, ऐसे बोलते हैं। खीर नहीं बोलते, विष बोलते हैं। विष संप्रिक्त अन्न जैसे विष हो जाता है, ऐसे दुख संप्रिक्त सुख को दुख ही नाम दे देते हैं। ये तो व्यवहार में खूब हम प्रयोग करते ही हैं। मैं उस बिंदु को आपके सामने रख रहा हूं कि सामर्थ्य कितना कितना अनंत सामर्थ्य होता है एक 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 इस मानव शरीरधारी इस योगी में, सिद्ध पुरुष में, जो भी नाम दें अपनी आस्था के अनुसार, कोई इसको भगवान कहता है, कोई सिद्ध पुरुष कहता है, कोई योगेश्वर कहता है, चलो ये तो सब मान्यताएं हैं। मान्यता का अर्थ है किसी ने कुछ सुनाया है उस पर विश्वास कर रहे होते हैं। कोई इसको बता देता है कि ये तो भगवान है तो हम भगवान कहते हैं, कोई इनको कहते हैं कि ये एक विकसित जीव हैं तो हम विकसित जीव के रूप में मानने लगते हैं। ये ऋषि हैं, सिद्ध हैं, ज्ञानी हैं, जो भी नाम उसका रखें। यहाँ पर इन श्लोकों में भगवान गुरु ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रकृति को अपने वश में करके ऐसे अनेक जन्म ग्रहण किए हैं और ये जो मेरा जन्म है ये भी ऐसा ही है, ऐसे बता दिया। अपनी माया, वैष्णवी माया, त्रिगुणात्मिका जो माया है अपनी, उसके द्वारा मैं स्वयं यहाँ पर इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानी होती है, ह्रास होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य और अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है, तब मैं अपने आप को आत्मानम सृजामि, तब मैं अपने आप को उत्पन्न करता हूँ, जन्म ग्रहण करता हूँ। ये धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान, ये कोई ऐसी मूल, कोई ऐसी मोटी कोई चीज़ नहीं है कि आदमी जो है कुछ अत्याचार करने लग गए, कुछ मार काट करने लगे। ये तो चेतना के स्तर की बात कही गई है। चेतना जब नीचे चली जाती है
तो अपने आप ही हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं वो अधर्ममय होते हैं। हमारी चेतना यदि उच्च स्तर पर होती है तो हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं वो सही सही कर्म होते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है, माने हमारी चेतना निम्न स्तर पर चली जाती है अस्तित्व में, धर्म लोप होने का अर्थ है लोग भूल जाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, और वो उनकी चेतना निम्न स्तर पर चली जाती है, तो उनके सामने एक जीवित उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं जन्म ग्रहण करता हूँ। धर्म की स्थापना का अर्थ है मैं उनके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करता हूँ कि व्यापक रूप में उसका प्रकाश लोगों को मिलता रहे, कि इस मानव शरीर में आकर के और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, इस बात को सिखाने के लिए मैं जन्म ग्रहण करता हूं। इस तरह की धर्म की स्थापना है ये, मनुष्यों को ये शिक्षा देने के लिए, ये बताने के लिए, उनको समझाने के लिए मैं जन्म ग्रहण करता हूं। जब भूल जाते हैं लोग, उनको उनकी दृष्टि जब देख नहीं पाती है तो अपनी अपने अंत स्वरूप को जब वो भूल जाते हैं तो उस धर्म को स्थापित करने के लिए, माने इस अस्तित्व में धर्म की स्थापना यही है कि हम एक उच्च चेतना में जिए और लोगों के सामने एक उदाहरण बने, ये मेरा अवतरण का प्रयोजन है। इस धरती पर उतरने का मेरा ये प्रयोजन है कि धर्म की स्थापना हो, और धर्म की स्थापना मैं अपने इस जीवन के द्वारा लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्कर्मों का विनाश करने के लिए, दुष्कृताम विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म ग्रहण करता हूँ। ये जो इस अस्तित्व में मैंने बोल दिया कि इसके लिए नाम, ये सारा नाम का झगड़ा है। यदि ये कहा जाता है कि सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, तो इसमें एक बहुत सारा लंबा चौड़ा एक मानव समाज है जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक दूसरा एक मानव समाज है जो आस्था से जुड़ा हुआ है कि भगवान हमारे बीच में आते हैं, उनको वो वाणी सुनने में अच्छा लगता है। बात एक ही है, उसको यदि इस तरह से कहा जाए कि भगवान हमारे बीच में आए हैं हमको सीख देने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, तो उनको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और उनकी आस्था बहुत गहराई तक उसके साथ जुड़ती है और वो सीखना चाहते हैं फिर। और यदि यूं कह दिया जाए कि एक सिद्ध पुरुष हमारे बीच में आए हैं हमको सिखाने के लिए, तो वो जो जिस आस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं उनको ये सुनने में कठोर शब्द लगते हैं कि हमारे भगवान को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और जिनको ये सुनने का अभ्यास है कि भाई सिद्ध पुरुष इस धरती पर बार बार आते हैं और यूं कह दिया जाए कि भगवान हमारे बीच में आते हैं, तो उनको ये वाणी कठोर लगती है कि भगवान के अस्तित्व को कहाँ ले जाकर टिका दिया। मानी सिद्ध पुरुष आए, ये तो सुनने में अभ्यस्त है उनके कान और वो सुनना पसंद करते हैं, पर जब उनको ये कहा जाता है कि भगवान हमारे बीच में आए हैं तो उनको ये अस्वीकार हो जाता है। तो ये तो हमारे कानों को सुनते सुनते जो आदत पड़ जाती है उसके विपरीत कुछ भी हमारे सामने आता है वो सहज स्वीकार नहीं होता। पर बात एक ही है, जिसको जिस रूप में भी अभ्यास है, मैं तो ये कह रहा हूँ उसी रूप में स्वीकार कर ले। सिद्ध पुरुष हमारे बीच में आए हैं, हमारी ही तरह वे एक हमारे ही जैसे हैं, वो एक जीव,
और उन्होंने साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है और जीवन के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। ठीक है, यदि ये बुद्धि स्वीकार करती है और उस सामर्थ्य को लेकर के वो जन्मे हैं, तो वो शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भी इसी तरह से विकसित होकर के वहां पहुंच सकते हो जहां मैं पहुंचा हूं। अब रही बात दूसरे पक्ष की, भगवान हमारे बीच में आए हैं, अवतरित हुए हैं, भगवान साक्षात भगवान, इस पक्ष में भी, तो इस पक्ष में यदि वो ऐसा सोचते हैं कि वो तो भगवान हैं और हम तो कभी भी उस जैसे नहीं हो सकते, तो समझो गीता का कोई संदेश उनके लिए, कोई शिक्षा, कोई प्रवचन, कोई आदर्श, कुछ भी महत्व नहीं रखेगा। भगवान हमारे बीच में आए हैं और हम हैं अज्ञानी, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, मोही जीव, और वे तो भगवान हमको संदेश देने आए हैं। तो ये जो श्लोक आप लोग पढ़ रहे हो, इनका कोई अर्थ नहीं है। अगले ही श्लोक में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये जो संदेश दिया 9वें श्लोक में, इस संदेश का कोई अर्थ नहीं रहता यदि हम ये समझ लेते हैं कि भगवान हमारे बीच में आए हैं, हम तो जे सामान्य, बिल्कुल एक सामान्य जीव हैं। ये तो भगवान अपनी वाणी में कह रहे हैं, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। अर्थात मैं अपने, मेरे जो जन्म और मेरा जो कर्म, मेरे कर्मों का नाम दिव्य कर्म है और मेरे जन्म का नाम दिव्य जन्म है। जब जब मैं इस तरह से जन्म लेता हूं तो मेरा दिव्य जन्म होता है, और दिव्य जन्म ग्रहण करके जो मैं जीवन जीता हूं, मैं लोगों के सामने जो एक उदाहरण पेश करता हूं और अपने उच्च धरातल में जीता हुआ मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, वो मेरे दिव्य कर्म होते हैं। उस दिव्य कर्म को मैं सबके सामने रखता हूं, यह है धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, इससे पहले वाले श्लोक में जो कहा कि मैं बार बार इस धरती पर आता हूं धर्म की स्थापना के लिए, मेरा जन्म भी दिव्य, मेरे कर्म भी दिव्य। जन्म दिव्य इसलिए कि मैं अपने सारी आत्म माया से अपनी प्रकृति को अपने वश में करके और मैं यहां धरती पर अवतरित हुआ हूं, मेरा जन्म दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। और ऐसा जो जान लेता है, एवं यो वेत्ति तत्वतः, ऐसा जो तत्वतः जान लेता है, फिर वो भी त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, ऐसा जो तत्वतः जान लेता है वो इस शरीर को छोड़ करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। ऐसी क्या बात है कि यहां पर भगवान के दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को जान करके हम जो है मुक्त हो जाते हैं। ये जो संदेश दिया जा रहा है कि भगवान का दिव्य जन्म हम जानेंगे, भगवान के दिव्य कर्म को हम जानेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। हम तो तब मुक्त होंगे जब हमारे दिव्य कर्म होंगे, हमारा दिव्य जन्म होगा तब मुक्त होंगे। ये तो भगवान का दिव्य जन्म और भगवान के दिव्य कर्म से हम कैसे मुक्त होंगे? पर यहां तो कहा है कि जो तत्वतः मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जानता है वो फिर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता है, मेरे को प्राप्त हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप मुझको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें रहस्य की बात यह है, भगवान का दिव्य जन्म और भगवान का दिव्य कर्म तो हम जानते ही हैं कि वो अपने सामर्थ्य से अपनी प्रकृति को अपने वश में करके यहां धरती पर आए। हमारा इसी तरह से हमारा भी दिव्य जन्म और दिव्य कर्म होता है, उनका दिव्य जन्म और दिव्य कर्म ऊपर से नीचे को हुआ है, हमारा दिव्य जन्म और दिव्य कर्म नीचे से ऊपर जाकर के होगा। हम जहां पर हैं अपने सच्चे स्वरूप को पाने के लिए हमें आरोहण करना होगा, क्योंकि अंततः हम सब भगवान ही हैं।
इस शैली में हमें समझना होगा इन श्लोकों को। अंततः हम अपने अंतरतम में भगवान ही हैं, भगवान हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंग संग है, वो हमारा सखा है, हम उसके सखा हैं, वो हमारा गुरु है, वो हमारा मार्गदर्शक है। उसको गुरु मानने में, सखा मानने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी विचारधारा के लोग उसको इस रूप में स्वीकार करने में कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। सहस पूर्वेशाम अपि गुरु काले नन्वच्छेदात, यदि वो गुरु को, उसको गुरु को इस रूप में माने कि वो कहीं हमसे दूर, कहीं दूर दराज देश में रहता है, तो उससे कैसे हम प्रेरणा पाएंगे? वो गुरु है तो निरंतर हमारे अंग संग रहना चाहिए, उसको इतना साथ रहना चाहिए कि कभी हमारे को छोड़े ही नहीं, तब हमारे को सही मार्गदर्शन हो सकता है, हम उसके सदा साथ रह सकें, सदा हमको वो हमें सिखा सके, दिखा सके। तो वो हमारा सनातन गुरु है, हमारे साथ रहता है, वो हमारा सखा है। जैसे वो चिन्मय है, वैसे हम भी चिन्मय हैं, सखा है वो। तो भगवान गुरु यहाँ पर धरती पर आए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए, दिव्य जन्म उन्होंने ग्रहण किया और दिव्य कर्म किए। दिव्य कर्म उनके ये नहीं असुरों का, राक्षसों का नाश किया और कहीं कहीं ये कर दिया वो कर दिया, ये तो उसके, ये उसके परिणाम हैं। हम जब दिव्यता में रहते हैं तो इस धरती पर चारों तरफ जो सुगंध फैलती है वो तो परिणाम रूप में है। कभी कभी बड़े कठोर, बड़े ऊंचे ऊंचे काम करते हैं, कठिन कठिन काम करते हैं, मुश्किल मुश्किल कामों को करते हैं, ये तो उस दिव्य चेतना में वास करने के परिणाम मात्र हैं। वस्तुतः वो जो अपनी उस अंतरतम स्वरूप में हमेशा रहते हुए अपने मन बुद्धि इंद्रियों और शरीर का वो उपयोग लेते हुए और जीवन जीते हैं, और कभी भी प्रकृति के धर्मों से प्रभावित नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होते, कितनी उथल पुथल हो उनके सामने, ऐसा तो उदाहरण है ना भगवान का हमारे समक्ष, कितनी उथल पुथल हो, कितना उनका अपमान हो, कितना उनका सम्मान हो, जब वो राजसूय यज्ञ में एक सर्व सम्मानित व्यक्ति के रूप में पूजे जाते हैं, उनको संसार का पूज्यतम व्यक्ति घोषित किया जाता है। एक मेरे मित्र हैं, कहते हैं कि हमें तो भगवान वेदव्यास जी सबसे महान लगते हैं महाभारत के। महाभारत के महर्षि वेदव्यास सबसे विशेष लगते हैं हमको। तो मैंने कहा कि भगवान वेदव्यास ही तो उनको कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पूज्यतम व्यक्ति हैं। भगवान वेदव्यास उनको पूज्यतम व्यक्ति बताते हैं कि ये हमारे बीच में पूज्यतम व्यक्ति हैं। वेद वेदांग विज्ञान को इन्होंने पूज्यतायाम च गोविंदे द्वापि हेतु संस्थितौ, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम, तथा इनका सब प्रकार का शारीरिक बल, मानसिक बल, वाणी का बल, ये बल से भरपूर हैं और ज्ञान से भी भरपूर हैं, ऐसे बोले भगवान वेदव्यास। जिस समय राजसूय यज्ञ में पूज्यतम व्यक्ति अर्घदान की बात चल रही थी तो किसको अर्घदान दिया जाए, भीष्म पितामह वहाँ उपस्थित हैं, श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव वहाँ उपस्थित हैं और स्वयं वेदव्यास उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे ऋषि महर्षि उपस्थित हैं, सब बड़ी समस्या आई, भाई किसको हम अर्घ्यदान प्रदान करें। अंततः वेदव्यास जी उठे और उन्होंने कहा हम सब में सबसे ज्यादा पूजनीय व्यक्ति श्री कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, वार्ष्णेय कृष्ण है। और फिर कहा कि हेतु भी दिया उन्होंने कि क्यों ये, बोले
जीवन दो चीजों में ही तो चाहिए, भरपूर ज्ञान और बल। तो बोले कि ये, उन्होंने कहा गोविंद शब्द का, पूज्यतायाम च गोविंदे द्वापि हेतु संस्थितौ, दो हेतु मैं बताता हूं, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा। ये वेद वेदांग का जो ज्ञान होता है वो भी इनमें भरपूर है, उसको जी रहे हैं, और बलम चाप्य अधिकम तथा, और जो जीवन को संसार में जगत में जो जीवन चलता है उसका जो प्रकट रूप है वो बल के सहारे चलता है, उनकी वाणी का तेज, उनके शरीर का बल, शरीर का तेज, उनका व्यवहार, उनका समदृष्टि। कुछ चीजें ज्ञान से जुड़ी रहती हैं, कुछ बल से जुड़ी रहती हैं, तो ज्ञान और बल में भरपूर हैं। महाभारत के ऋषि ने सबसे इस धरती का पूज्यतम व्यक्ति श्री कृष्ण को घोषित किया। ऐसा योगेश्वर यदि वो साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं और बहुत सारी सिद्धियां उनके पास हैं और उन सिद्धियों का समय समय पर जब वो आवश्यक समझते हैं तो प्रयोग करते हैं, ऐसा सामर्थ्यशाली वो जो इस धरती पर वो अपना एक प्रकार से खेल खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उनकी तो लीला है। लीला ऐसी होती है जिसमें जोर ना पड़े और काम होता रहे, जिसमें जोर पड़ जाए तो वो लीला नहीं होती है। जैसे बच्चे होते हैं वो घर बनाते रहते हैं, फिर वो चलते समय उसको इधर उधर करके और चल पड़ते हैं, पैर मार कर बड़े तन्मय होकर के अपना घर बनाते हैं, घर गुला बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी होती है, अब आजकल वो सब प्रक्रिया पक्की स्थान में रहते हैं तो बच्चों को मिलता नहीं, पर छोटे बच्चे जब होते हैं और उनको स्वाभाविक प्रकृति में छोड़ दिया जाता है, प्रकृति के साथ जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो जैसे ही थोड़े से 3-4 साल के होते हैं तो वो अपना हाथों से एक घर बनाना शुरू करते हैं और रचना करते हैं, और बड़े ध्यान से उनको यदि देखा जाए ऐसे खड़ा होकर के तो बड़े लगे रहते हैं ध्यान से, और समय गायब हो जाता है, उनको इधर उधर कुछ चीज जरूरत नहीं होती है, माँ भी याद नहीं आती, दूध भी याद नहीं आता है, और बस लगे रहते हैं और चलते समय ऐसे पैर मार करके और आगे बढ़ जाते हैं। बड़े आराम से बनाया, और उसी को ये है निर्लिप्तता का उदाहरण। तो ऐसे निर्लेप होकर के जिनका जीवन होता है उनको कहते हैं कि ये तो भाई उनकी लीला है। तो श्री भगवान गुरु की जो कार्य प्रणाली है वो लीला के रूप में, कुछ महापुरुष उसको लीला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनकी लीला। कर्म और ज्ञान इतना सहज हो जाए कि वो हमारे लिए कुछ प्रयास न करना पड़े और सही सही होता रहे, तो उसको बोलते हैं भगवान की लीला। उसको दूसरा शब्द, किसी को ये शब्द सुनने में दिक्कत करता है तो ज्ञान पूर्वक सहज कर्म ऐसा शब्द डाल लीजिए, ज्ञान पूर्वक सहज कर्म ये शब्द डाल करके समझ सकते हैं। भगवान जो साधुओं का रक्षा करते हैं, ये तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उनका साइड बिजनेस है। यहां धरती पर ऐसे सिद्ध पुरुष का आना या भगवान का अवतार ग्रहण करना, इसको आप ऐसे समझिए कि ये उनका साइड बिजनेस है। मुख्य प्रयोजन तो वही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना कैसी? अपने जीवन में, अपने आंखों में, अपनी वाणी में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, इस सब में धर्म की स्थापना। अर्थात हमारी आंखें धर्म से संयुक्त होकर के देखती हैं, कान धर्म से संयुक्त होकर के सुनते हैं, हमारी जिह्वा धर्म से संयुक्त होकर के भोजन ग्रहण करती है, धर्म से युक्त होकर के ही
वो संतान को जन्म देते हैं, धर्म से युक्त होकर के ही वो राज्य संचालन करते हैं, धर्म से युक्त होकर के ही सारा जीवन उनका धर्ममय होता है, धर्म स्वरूप होता है, धर्मशील होता है, धर्म स्वभाव होता है उनका। ये उनका ऐसे महान आत्माओं का मुख्य प्रयोजन होता है। और वो बता रहे हैं कि भाई मेरा तो जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं, पर ऐसा जो तत्वतः जानता है वो भी दिव्य जन्म और दिव्य कर्म वाला हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो मेरे को देखता है कि ये हमारे जैसा तो है, हम भी तो वही हैं। इस बात को यदि हमारे समझ में आ जाए कि हम भी तत्वतः वही हैं, जो जिसको भगवान गुरु के रूप में हम देख रहे हैं, वही तत्वतः हम हैं। ये देखो, जान तो सकते नहीं है ये बात, पहले तो विश्वास ही करना पड़ेगा। कैसे आप जान सकते हैं? आज आपके पास जो बुद्धि है, उतनी बुद्धि से आप कैसे जान सकते हैं कि हम भी तत्वतः वही हैं? जो बुद्धि इतना विषयों में अभिलिप्त है, इतना विकारों से दूषित है, और थोड़े थोड़े बाह्य प्रभावों से प्रभावित हो जाती है, थोड़ी देर के लिए भी स्थिर नहीं रह पाती है, कितनी उसमें चंचलता है, कितना रजोगुण तमोगुण भरपूर भरा हुआ है, ऐसी बुद्धि कैसे जान सकती है इस बात को कि जो भगवान गुरु हैं वही हम हैं? अंततः हम भी अपने अंतरतम में वही हैं, ये कैसे जान सकती है ये बुद्धि, जिस बुद्धि की ये विशेषताएं हैं? ये जानने के लिए तो हमारी बुद्धि योग दर्शन की भाषा में रितंबरा प्रज्ञा होनी चाहिए, आयुर्वेद की भाषा में सत्या बुद्धि होनी चाहिए, कठोपनिषद की भाषा में अग्र्या बुद्धि चाहिए। अग्र्या बुद्धि दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अग्र्या बुद्धि आयुर्वेद में सत्या बुद्धि शब्द का कई जगह प्रयोग हुआ है, शारीर स्थान में और दूसरी जगह भी सत्या बुद्धि इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सत्या बुद्धि जान सकती है। तो जैसी हमारी बुद्धि है, एक काम तो हम कर सकते हैं कि हम इसको मान सकते हैं। एक जानना होता है, एक मानना होता है, एक करना होता है। तो हमारा करना तो हमारे जानने मानने के अनुसार चलता है, तो जान तो सकते नहीं। देखो, जानने के लिए तो सत्या बुद्धि चाहिए, अग्र्या बुद्धि चाहिए, रितंबरा प्रज्ञा चाहिए, वो हमारी है नहीं। हमारे पास तो थोड़ी सी बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि है हमारे पास, थोड़ा सा देख पाती है, बहुत सारी इसमें अभी इच्छाएं हैं, भोग की लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों को लिए हुए अपने जीवन को जैसे तैसे धक्का पेल करके जीवन को चला रही है हमारी बुद्धि। तो इस बुद्धि को हमारे पास धारण कर रहे हैं। तो देखिए, इस बुद्धि का एक श्रेष्ठतम प्रयोग ये हो सकता है कि किसी वेद वाणी को, किसी महान आत्मा की वाणी को, किसी शास्त्र वचन को स्वीकार कर ले। तो स्वीकार तो कर ही सकते हैं, स्वीकार करने में तो कोई अड़चन नहीं है कि भाई जैसे वो कह रहे हैं हम मान लें। वो कह रहे हैं कि जो मैं हूं वही अंततः तुम हो। ये स्वीकार यदि हो जाता है तो फिर अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा कि हमें आरोहण करना होगा वहां तक, जहां तक वो ऊपर से नीचे आए हैं। वे ऊपर से नीचे आए हैं, हमें नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंततः हम और वो एक हैं। बाह्य रूप में हमारा अलग रूप है, बाह्य रूप में विकार घेरते हैं हमको, हम प्रभावित होते हैं, राग द्वेष आते हैं, बुद्धि अस्थिर रहती है, ये सारे बाह्य रूप हमारे को अभी नजर आ रहे हैं। अपरा प्रकृति के धर्म से हम आक्रांत हैं, घिरे हुए हैं। तो हम ऐसा कुछ उपाय करें, हम अपने आप को उस महान गुरु जो हमारे अंतरतम में बैठा है, बाह्य रूप में हम अलग हो गए, अहंकार के सहारे हम अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं, हम उससे अलग हो गए। तो उसका एक ही रास्ता है
कि अंतरतम में बैठा जो गुरु है उसको हम अपना सब कुछ दे डालें, उसको स्वीकार कर लें, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पर क्या होगा कि हम उसको अपना सब कुछ दे डालें, उसको समर्पित कर दें। ये सारी गीता का संदेश है। श्री अरविंद ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, इससे ज्यादा गंभीर संदेश गीता में और कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गीता के ऊपर निबंध लिखे हैं, गीता की शब्द से व्याख्या नहीं की, एक एक श्लोक की शब्द से व्याख्या नहीं की है, निबंध लिखे हैं। तो निबंधों में एक जगह ये वाक्य भी लिखा कि मुझे इससे ज्यादा गंभीर जो संदेश है गीता का, मुझे नहीं लगता कि वो कहना चाहते हैं। भगवान गुरु हमको कहते हैं कि तुम भी अपने अंतरतम में वही हो जो मैं हूं, और तुम अपने साधना से, अपना क्या साधना का रूप होगा, साधना का रूप यही होगा कि तुम सब कुछ अपना मुझे दे डालो, जो तुमने अपने आप को अलग समझ लिया है, तो एक अलग व्यक्तित्व अपने को मान लिया है। अहंकार के चलते हमने अपने आप को अलग एक एंटिटी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो यही होगा कि हम उस गुरु को दे डालें, पूर्ण रूप से अपने आप को बिना कुछ बचाए उसे दे डालें। और एक क्षण में तो ये दे डालना बनता नहीं, दे डालने के बाद भी चीजें हमको खींचती हैं वापिस, हमारे अभ्यास, हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमें खींचती रहती हैं। तो उनके प्रति सजग रहें और प्रयास पूर्वक उनको रिजेक्शन, उनको अस्वीकार करते रहें, और दे डालने के लिए दे नहीं डाल रहे, अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो भाई देने की तमन्ना, देने की लालसा, देने की अभिप्सा तो कर ही सकते हैं। अच्छा, इच्छा करने में क्या दिक्कत है, इच्छा तो कर ही सकते हैं कि मैं उसको पूर्ण रूप से अपने आप को देना चाहता हूं, ये तो कर ही सकते हैं। नहीं दे पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया है अब तक, ये भी चलो। इच्छा करने में तो कोई दिक्कत नहीं, अभिप्सा करने में तो, जैसे लौकिक चीजों की इच्छा करते रहते हैं, ये भी एक अभिप्सा शुरू कर दें, मैं भगवान को सबसे ज्यादा अपना प्रियतम बनाना चाहता हूं, ऐसी अभिप्सा शुरू कर दें, भगवान से सबसे अधिक मैं प्यार करना चाहता हूं, ये अभिप्सा शुरू कर दें। तो ऐसा करने से हमारा आरोहण शुरू हो जाएगा। यदि हमने अभिप्सा शुरू कर दी तो भगवान की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, भगवान को पसंद नहीं करते, उससे पहले भगवान भी हमने अलग मान लिया ना अपने आप को, तो अब अलग मान करके अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के बल से हम चलना चाहते हैं। तो जैसे बच्चा जब अपनी मस्ती में रहता है और वो रोता बिलखता नहीं ना, तो माँ बड़ा आनंद से कि ठीक है भाई खेलता रहे। हम संसार में एक बड़ी अच्छी सी बात मेरे को समझ में आई कि जैसे इस संसार के जितने भी सुख हैं उनमें जब हमारा मन रमा रहता है तो माँ हमारे को दूध नहीं पिलाती, क्या करती है माँ, बल्कि और जब उसको कुछ और काम करना होता है तो और खिलौने उसके सामने, और कुछ दूसरी दूसरी चीजें उसके सामने पूरा जाल बिछा देती है, और वो जो है अपना जो उसे करना है करती रहती है, और वो बच्चा उसमें फंस जाता है। तो ऐसे ही हम इस संसार की सुख सुविधाओं में, संसार के चमक दमक में, इसके ऐश्वर्य में इतने डूब जाते हैं कि माँ को ही भूल जाते हैं। माँ का जो दूध, उसका जो अमृत, उसका जो
बच्चे के लिए, केवल मनुष्य के बच्चे ही नहीं, मैं उन कई बार जाता आता देखता हूँ कि वो कुत्ते बच्चे होते हैं, कुतिया के बच्चे होते हैं, वो लिपटे रहते हैं और वो दूध के लिए कैसे पीछे पीछे दौड़ते हैं और लगे रहते हैं। तो मनुष्य जो है इस चमक दमक में, इस संसार के जो ऐश्वर्य सुख है, बाह्य सुख है, उसमें इतना मस्त हो जाता है कि वो माँ को भूल जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को हम समझते हैं कि हम अंतरतम में वही हैं जो हमारे भगवान गुरु हैं, तो हम अपने इस प्रक्रिया का को स्वीकार करके और आरोहण करें और अपने आप को वहाँ स्थापित करें, निम्न प्रकृति से उच्च प्रकृति में अपने आप को ऊंचा उठाएं, तो ऐसा करने से हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज यहीं पर हम विराम देते हैं। ओ